चिल्ड्रन, हमारी लास्ट क्लास में हमने सेकेंड लेसन तक कंप्लीट कर लिया था। होप आप लोगों ने भी अपनी बुक और कॉपी कंप्लीट कर ली होगी। अब हम लेसन 3 जो कि ग्रामर पार्ट का है वो डिस्कस करेंगे। वो है पेज नंबर 62 पे। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। व्हाट इज एक्शन वर्ड्स? एक्शन वर्ड्स को वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हम एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक्शन वर्ड्स और एक्शन वर्ब्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब्स भी कहते हैं। वर्ब्स सिंपली एक्सप्रेस एन एक्शन। जो भी वर्ब या जो भी वर्ड हमें किसी एक्शन को शो करता है, हमारी किसी एक्शन को शो करता है, वो होता है एक्शन वर्ड या वर्ब, ठीक है। जैसे कि सिटिंग यानी बैठना, ठीक है। वॉकिंग यानी चलना। और भी बहुत सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, तो स्टडिंग भी एक एक्शन वर्ड है। आई एम टीचिंग मतलब पढ़ाना, टीचिंग भी एक एक्शन वर्ड है, ओके। आई एम टॉकिंग नाउ, आई एम सेइंग समथिंग, टॉकिंग, ये भी क्या है, एक्शंस हैं। आई एम मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, मैं मूव कर रही हूँ इधर से उधर, तो ये जो मूव कर रही हूँ ये भी क्या है, एक्शन वर्ड्स है। तो एक्शन वर्ड्स वो होते हैं जो किसी भी हमारी एक्शन को, हमारे किए हुए काम को बताते हैं, ठीक है। जैसे हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई, तो फ्लाइंग भी एक एक्शन वर्ड्स है, ओके। रैबिट्स हॉप इन द ऑन द ग्राउंड, रैबिट्स जो हैं वो ग्राउंड पे फुदकते हैं, कूदते हैं, तो वो भी एक उनकी एक्शन हुई, ठीक है। आप जब प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं, प्लेइंग, ये भी एक एक्शन वर्ड्स है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हमें किसी एक्शन को बताती है, हमारी किसी एक्शन को एक्सप्रेस करती है, बताती है, शो करती है। एक्सप्रेस मतलब शो करना, दिखाना, ठीक है। किस चीज़ को दिखाना, एक्शन को। एक्शन को दिखाने वाले वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन, वो क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स। वो वर्ड्स जो एक्शंस को एक्सप्रेस यानी कि दिखाते हैं, शो करते हैं, उन्हें हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। और एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब, verbs, वर्ब्स, ये भी क्या होते हैं, एक्शन। सिटिंग, वॉकिंग, सिटिंग, अब आप सोचेंगे कि बैठने में कौन सी एक्शन है, तो बैठना अपने आप में एक एक्शन है, एक मूवमेंट है, चाहे मूवमेंट हो या ना हो। मूवमेंट नहीं भी होते हैं तो भी हम उन्हें एक्शन वर्ड्स ही कहते हैं। अब देखिए, सोना भी एक काम है ना, हम हमारी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, तो स्लीपिंग भी क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड्स का मूवमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, हमारी बॉडी मूव हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन हम जो भी काम करते हैं उस काम को जिस शब्द में हम बताते हैं उसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं, ठीक है। चाहे वो सिटिंग बैठना हो, स्लीपिंग सोना हो, बाथिंग नहाना हो, ईटिंग खाना हो, ड्रिंकिंग पीना हो, ठीक है। जो भी चीज़ हमारे किसी भी काम को शो करती है, जो वर्ड्स हमारे किसी काम को बताते हैं, वो होते हैं वर्ब्स या हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स, ठीक है। अब हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे। सो किड्स, ये आपके ग्रामर पार्ट का पेज नंबर 60 है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ड्स, ओके। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, जो हमारी किसी भी एक्शन को शो करते हैं, चाहे हम बैठे हों, सिटिंग, स्लीपिंग सो रहे हैं, है ना, ईटिंग खा रहे हैं, डांसिंग डांस कर रहे हैं, स्टडिंग पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी एक्शन को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं एक्शन वर्ड्स, और इन्हें वर्ब भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलर द बॉक्सेस विच हैव एक्शन वर्ड्स। उन बॉक्स को कलर करना है जिसमें कोई एक्शन वर्ड लिखा हो। आपको कलर सिर्फ वैक्स कलर से करना है, ठीक है, या तो फिर पेंसिल शेडिंग से भी आप कलर कर सकते हैं, बट प्लीज़ स्केच पेन को यूज़ न करें। देखिए, पेंट मतलब ड्रॉ करना, कलर फिल करना, तो ये एक एक्शन हुई, है ना। क्राई मतलब रोना भी क्या है, एक एक्शन है, तो आप इसे ऐसे पेंसिल शेडिंग से शेड कर सकते हैं, ओके। देन लीफ, पत्ती कोई एक्शन होती है क्या, नहीं होती। स्टडी पढ़ना एक्शन होती है ना, इसमें हम कुछ काम कर रहे होते हैं। देन सिट मतलब बैठना, एक्शन वर्ड है। मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट हो या ना हो, बिना मूवमेंट में भी अगर कोई काम पता चल रहा है तो वो एक्शन वर्ड होता है। रीड
रीड मतलब पढ़ना, रीड पढ़ना भी एक काम है, एक्शन वर्ड है। ब्लू, ब्लू कलर है, ठीक है। राइट मतलब लिखना, ये भी एक काम है, एक्शन है। एंड चीटी, चीटी को एक्शन होती है क्या? नहीं, ये एक इंसेक्ट है। ट्रक, ट्रक एक व्हीकल है। स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े होना, खड़े रहना भी एक एक्शन है ना, काम बताता है। टब, टब एक यूटेंसिल है। ब्रेड, ब्रेड एक एडिबल आइटम है। रन, रन मतलब दौड़ना, ये क्या है? एक्शन वर्ड। देन वॉक, वॉक मतलब चलना, ये भी एक एक्शन वर्ड है। सिस्टर, बहन, सिस्टर कोई एक्शन या काम होती है क्या? नहीं। किक, किक मतलब पैरों से किसी चीज़ को पुश करना है ना, वो होता है किक मारना, ये भी एक एक्शन है। टेडी, ये तो टॉय होता है, आप सभी को पता है। फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई भी एक एक्शन होती है ना। ईट, खाना, खाना भी एक एक्शन होती है। ओके, देन ड्रिंक, पीना, पीना भी एक एक्शन होती है, काम होता है ड्रिंक करना भी। राइड मतलब चलाना, व्हीकल्स वगैरह जो चलाते हैं हम, उसे बोलते हैं राइड करना। देन चेयर, चेयर एक सामान है, कोई एक्शन नहीं है। ड्राइव, ड्राइव मतलब गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं आप, साइकिल चलाते हैं, वो होता है ड्राइव। लाफ, लाफ मतलब, देखिए ड्राइव मतलब होता है किसी व्हीकल को अंदर बैठ के चलाना, जैसे कार, कार के अंदर बैठ के हम कार चलाते हैं, है ना। बस, बस ड्राइवर होता है ना, ट्रक ड्राइवर होता है, ठीक है। जिस व्हीकल के अंदर बैठ के हम चलाते हैं वो होता है ड्राइव, और किसी चीज़ के हम ऊपर बैठ के ओपन व्हील चलाते हैं वो होता है राइड। जैसे बाइसाइकिल हम राइड करते हैं, हॉर्स राइडिंग होती है ना, तो ये राइड और ड्राइव में ये डिफरेंस होता है। अब देखिए लाफ, लाफ क्या होता है? हंसना, हंसना भी हमारी एक एक्शन है ना, तो इसको भी हम कलर करेंगे, शेड करेंगे। स्मेल मतलब सूंघना, सूंघना भी एक एक्शन होती है, इसे भी शेडिंग करेंगे। बैथ मतलब नहाना, ये भी एक एक्शन है, इसे भी शेडिंग करेंगे। जू, जू तो प्लेस का नाम है, ये कोई एक्शन तो नहीं है ना। देन स्लिप यानी सोना, मैंने आपको बताया कि मूवमेंट हो या ना हो, अगर किसी काम को बताता है तो वो एक्शन वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्वीप, स्वीप मतलब सफाई करना, झाड़ू लगाना, है ना। स्वीप, ये भी एक एक्शन है, ठीक है। तो इन सारे एक्शन वर्ड्स पे आप चाहें तो पेंसिल कलर या वैक्स कलर से कलर कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे ही पेंसिल से प्रॉपर शेडिंग कर सकते हैं। मैंने एक सिर्फ आउटलाइन बताई आपको कि कैसे शेडिंग करना है, ओके। आपको पूरा बॉक्स कम्प्लीटली शेडिंग करना है, जैसे पेंट शेडिंग किया हुआ है। देन अंडरलाइन द एक्शन वर्ड इन दिस सेंटेंस, अब आपको क्या करना है, इन सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है। चिल्ड्रन प्ले विथ टॉयस, बच्चे टॉयस से खेल रहे हैं, प्ले खेलना मतलब एक्शन वर्ड, ठीक है। रोहन किक्स द बॉल, अभी मैंने आपको बताया किक का मतलब लेग से पुश करना या फुट से किसी चीज़ को पुश करना, वो होता है किक मारना। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, उड़ना फ्लाई क्या है? एक्शन वर्ड। देन स्क्विरल्स ईट नट्स, ईट खाना क्या है? एक्शन वर्ड, ठीक है। प्ले, किक्स, फ्लाई, ईट, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 7 एक्शन वर्ड इन द वर्ड पजल, ये जो एक वर्ड पजल है इसमें आपको 7 एक्शन वर्ड्स ढूंढना है। देखिए डब्ल्यू ए एस एच, वॉश, एक तो हमें मिल गया वॉश, ठीक है। और भी ऐसे इसमें है, जैसे कि आप किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं, यहाँ जैसे लिखा है राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट, ऐसे आपको 7 एक्शन वर्ड्स ढूंढ के और उनको इस तरह से सर्कल करना है, ओके। ये आपके लिए है होमवर्क, सो मार्क इट एस एच डब्ल्यू, ओके। ये आपको कंप्लीट करना है खुद से अपनी बुक में, कॉपी में नहीं, बुक में। लुक एट द पिक्चर, कंप्लीट द नेम ऑफ एक्शन, अब इन पिक्चर्स को देख के हमको एक्शंस जो हैं उनका नाम कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे ये क्या कर रहे हैं दोनों, रीड, आप भी अभी रीड कर रहे हैं मेरे साथ, आर ई ए डी, रीड। अब बताइए ये क्या कर रही है इस पिक्चर में, पी रही है, ड्रिंक कर रही है ना, तो डी ऑलरेडी दिया है, हमें क्या लिखना है, आर आई एन, और के ऑलरेडी दिया है, डी आर आई एन के, ड्रिंक। देन ये क्या कर रहे हैं दोनों, चल रहे हैं, वॉक, डब्ल्यू ऑलरेडी दिया है, हमें लिखना है ए एल, और के ऑलरेडी दिया है,
सो द वर्ड इज वॉक, डब्ल्यू ए एल के वॉक. देखिए जब एल के के आगे आता है ना तो हम एल नहीं पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे इसको, वॉक. ओके, देन ये क्या कर रहा है, कूद रहा है. कूदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, जंप, जे यू एम पी जंप, जे यू एम पी जंप. अब देखिए ये दोनों टेबल को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं. पी यू एस एच पुश, पी यू एस एच पुश. और ये क्या कर रही है, डांस, डी ऑलरेडी दिया है, ए एन सी ई डांस, डी और ई ऑलरेडी हमें दिया है, ए एन सी लिखेंगे तो डांस की स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी. एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं, रीड ये तो ऑलरेडी दिया है ना, डी आर आई एन के ड्रिंक, डब्ल्यू ए एल के वॉक, जे यू एम पी जंप, पी यू एस एच पुश, डी ए एन सी डांस. ओके, इसी के साथ आपके ग्रामर पार्ट का थर्ड लेसन कंप्लीट होता है. ओके, आपको कॉपी में सिर्फ एक्शन वर्ड की डेफिनेशन लिखना है जो मैंने आपको बोर्ड पे भी लिख के बताई थी, और उसका मैं पिक भी आपको सेंड करूँगी. ओके, सो किड्स ये पूरा लेसन आपको कंप्लीट करके रखना है और चेक करवाने के लिए बुक जरूर सेंड करना है. ओके, थैंक यू.